रोड धस जाने के कारण सीधे गधेरे में 100 टक नीचे पहुंच चुकी है और इसमें 2 लोगों को यहां से रेस्क्यू किया गया जिनकी हालत बहुत ही थी गंभीर। ये देखिए गाड़ी की हालत देखिए पहले आप, क्या कंडीशन हुई है गाड़ी की। और उसमें से यहाँ के फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से उनका रेस्क्यू करके उनको हल्द्वानी शिफ्ट किया हम लोगों ने। रवि और अशोक जो दोनों थे वो बाइक से उनको हल्द्वानी लेके यहाँ से, हल्द्वानी का सफ़र 20 किलोमीटर का है। बारिश थी, घुटनों तक पानी आ रहा था, बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, बहुत ही बड़ा चैलेंज था उनको हॉस्पिटल तक पहुँचाना, क्योंकि ना तो 108 का नंबर लग पा रहा था, ना पुलिस का नंबर लग पा रहा था, कोई भी सुविधा नहीं थी उस समय। और ये एरिया जो है पूरा जंगली जंगल, यहाँ पे आसपास में कोई घर भी नहीं था। और ये 2 लोगों ने यहाँ से रेस्क्यू करके और हम सभी ने इनको हॉस्पिटल तक पहुँचाया जैसे तैसे। और रवि हैं हमारे साथ जो जिन्होंने वहाँ तक इनको पहुँचा। रवि, क्या हुआ था एग्जैक्ट, तो किस टाइप की कठिनाइयों से गुजरना पड़ा आपको कल रात? पहले हम यहाँ से ले गए उनको, तो बीच में डोलमार रिसोर्ट पे पहले मलवाए, वहाँ पर जेसीबी लगी थी, वहाँ पर 2 मिनट रुकना पड़ा, जेसीबी की वजह से रुकना पड़ा। उसके बाद हम आगे बढ़े और आगे से मलवा, बहुत रिस्की हुआ था, पत्थर आ रहे थे इधर उधर, बहुत ही भयानक रहा मामला। फिर आगे से एक नदी आ पड़ी टूटा पहाड़ के पास, पानी का बहाव इतना था कि बाइक पूरी भगने को तैयार हो गई थी। उसके बाद हम रानीबाग पहुँचे, रानीबाग में हमको पुलिस वाले मिले, पुलिस वालों ने कहा ये एक्सीडेंटल केस तो नहीं है, फिर हमने बताया। फिर उसके बाद हमको पुलिस वालों ने पिकअप कराया ब्रिजलाल हॉस्पिटल तक, ब्रिजलाल हॉस्पिटल। फिर उनको जब हमने बचाया तो डॉक्टर लोगों ने कहा कि इमरजेंसी है, फिर इमरजेंसी है। उसके बाद हमने उसको वहाँ एड कर दिया। और जहाँ तक आप देख सकते हो यहाँ पे अशोक भाई हैं। भाई जी, अशोक भाई तुम क्या कहोगे, किस टाइप की सिचुएशन थी? बहुत कठिनाई से पहुँचाना पड़ा, क्योंकि उनको नहीं पहुँचा था, उनकी जान नहीं जा सकती थी, बैग से ले जाना पड़ा, ऊपर से पत्थर गिरने का तय था, पत्थरों इसलिए आ रहे थे पत्थर, पानी का बहाव इतना था, बैग को आगे बढ़ने नहीं गया था, हल्द्वानी में इतना पानी आ गया था कुछ लोग तक मैं बैग चला नहीं पाया था, मेरी आँखें लाल हो गई, पूरे आँखों पर पानी आ रहा था एकदम, मैं मतलब ऐसा हो गया कि उनको बचाना है, एक हो गया था। बस हम लोग ने बस यही ठान ली थी कि ये लोगों को कैसे भी बचाना है, हॉस्पिटल तक पहुंचाना है। और दूसरे दिन मैंने फ़ोन किया तो दूसरे दिन को यहाँ से हल्द्वानी से दिल्ली रेफर किया गया, क्योंकि उनकी नसों में खून जम चुका है और अभी वो ICU में है फिलहाल भर्ती, जहाँ तक उनकी लेकिन 2-3 दिन बाद स्वस्थ हो ही जाएंगे, यही कामना हम करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।